पूरे भारत में स्वच्छ भारत अभियान के तहत 15 रोजा सफाई अभियान शुरू किया जा रहा है, जिसके तहत मोगा के गीता भवन चौक में भी मोगा प्रशासन की ओर से जनता को जागरूक करने के लिए एक सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें मोगा के डिप्टी कमिश्नर दिलराज सिंह ने सभी अधिकारियों और शहरवासियों को एक शपथ दिलाई, जिसके तहत हर नागरिक अपने अपने आसपास की पूरी सफाई रखेगा। वहीं गांवों में इस अभियान को चलाने के लिए एक जागरूक वैन को भी रवाना किया गया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि हमें यह सोचकर नहीं चलना चाहिए कि सिर्फ इन 15 दिनों में ही सफाई का ध्यान रखना है। उन्होंने कहा कि हर रोज ही सफाई अभियान है और हमें हर रोज ही अपने इर्द गिर्द पूरी सफाई रखनी चाहिए इस काम प्रति, क्योंकि बिना लोगों की इन्वॉल्वमेंट तो ये काम सिरे नहीं लग सकता है, क्योंकि जितों ये एक कूड़ा जेड़ा है या चालू हों बनता है उस पॉइंट के उत्तों इन सेंसिटाइज करने की लड़ है। जोड़ा यह सरकार 6 महीने या साल बाद पंद्रहवाड़ा शुरू करती है, वो सिर्फ से सिर्फ वह यह काम है कि वह तो वोगों जागरूक किया जाए इस प्रति, तो दसिया जाए भी यदि किन्नी इंपोर्टेंस आ कि लड़ आ वो तहत जोड़ा ये 15 दिनों का पंद्रहवाड़ा शुरू किया। अच्छ जिमें असी इतने स्टार्ट किया आ एक दिन परसों का प्रोग्राम एक श्रमदान का रख्या गया है, फिर सरकार ने 25 तरीक का एक प्रोग्राम हो दिता है जिद सारे ही सरकारी दफ्तर हदायत दतिया ने भी वो अपना अपना दफ्तर जोड़ा है वो पूरी सफाई की जाएगी। दो इस तरह लीके गए हैं प्रोग्राम जोड़े 2 तरीक न जाके सब पिंड सब तो पहले तो पंजाब सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने सफाई अभियान चला के लोगों जागरूक किया। उन्हें नाल ही अज मोगा जिले के अंदर सत्कारियो बहुत ही परम मानयोग साढ़े डिप्टी कमिश्नर साहब दिलराज सिंह जी वालों अज गीता भवन चौक से सफाई अभियान के बारे एक सफाई अभियान चलाया गया जिसे असी धन्यवाद करते हैं। मोगा से तन्मय समत की रिपोर्ट न्यूज़ 18।